हेलो दोस्तों, मैं रोहित बेनिवास। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाइयों, मैं आया हुआ हूँ घर पे रक्षाबंधन की वजह से, और भाई दीदी और शिवन्या भी आए हुए हैं। शिवन्या कौन है? शिवन्या नाम बता दिया तो मैंने, तो भाई जो अपनी भांजी है, दीदी की लड़की है, उसका नाम शिवन्या रखा है। तो भाई वो भी आए हुए हैं, यहीं पर रहेंगे अभी। तो आज एक काम है, वैसे तो अपने टाइटल में देख लिया होगा, बट बता देता हूँ भाई, मैं अपनी पहली बार कान बिंदवाने जा रहा हूँ। कान बिंदवाने, छिलवाने या पियर पियर्सिंग कराने जा रहा हूँ। लेफ्ट वाले कान में कराऊंगा, तो दिखाता हूँ क्या क्या होता है। अभी जाएंगे भाई, अंकित का फ़ोन आया था, कह रहा था 15-20 मिनट में चलते हैं, उसका ही वेट कर रहा हूँ, फिर भाई चलेंगे। क्योंकि भाई प्रभात ने भी करा दिया, अंकित ने भी करा दिया, निखिल भाई ने भी करा दिया, अपने ग्रुप में काफ़ी सारे लड़कों ने करा दिया। मैंने कहा भाई मैं भी करा के देखता हूँ, नहीं अच्छा लगेगा निकाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। बाय 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 कह रहा हूँ, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंकित का फ़ोन आ गया है, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। भाई फिर चलते हैं अपना जूलर के पास, पियर्सिंग करा लेंगे। एक तो मुझे और भी काम है वहाँ पे, बाकी भाई पता नहीं दर्द होगा नहीं होगा, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा भाई, जो जो चीज़ होती है। तो भाई अंकित आ चुका है। हाँ भाई। हाँ भाई, कौन से कान में करवाना है? उल्टे में, इसमें। अच्छा, दर्द होगा? नहीं, बस एक गन चलेगी पिछे, ऐसे लगेगा खाल फट गई बीच में से, फिर खाली तो फटेगी। हाँ, खाली फटेगी। फिर बस क्या कहते हैं, थोड़ी देर ऐसा लगेगा कान में ना छेद हो गया है, तो फट फट चलेगा। चलो ठीक है, सहलेगा। कितने दिन तक होएगा ये? और कोई दवाई वाई भी लेनी पड़ेगी? मम्मी कह रही को दवाई लेनी होती है, एकदम से नहीं होता, सब ऐसे हो जाता है। कह रही अभी एक दवाई लेनी पड़ेगी जिससे पके ना, सेप्टिक का मतलब कि जिससे पके ना जाए वही। हाँ, सेप्टिक वगैरह ले लो, दिक्कत नहीं। आ जाओ गाइस, चलो। भाई गए थे अभी हम एक जूलर के पास, उन्होंने कहा आधा घंटा लगेगा। भाई बहुत भीड़ थी, पता नहीं आज कोई फेस्टिवल है, इतना सोना खरीद रही है पब्लिक। अब देखते हैं कहीं और कराएं या वेट कर लें, आधा घंटा बोला उन्होंने। तो गाइस आ गए हम, एक हमारे भैया अंकल हैं हमारी सोसाइटी के, तो उनकी शॉप है, वहाँ पे आ गए। भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमने सोचा जूस पी लेते हैं, तब तक वो आधा घंटा कह गया था भाई, हमें कोई मिला नहीं पियर्सिंग वाला, हमने कहा छोड़ो वेट कर लेते हैं आधा घंटा। तो गाइस हो चुकी है पियर्सिंग, ये देखो मैं पिंपल हो रहे हैं, इसको इग्नोर करना भाई। ये देखो, ये जूम नहीं होता गाइस, चलो बाद में दिखाऊंगा पास से। बाकी भाई दर्द हुआ था बहुत हल्का सा, कुछ मेजर नहीं था, बहुत हल्का दर्द हुआ था। लड़कियों को तो वैसे पता ही होगा, ज़्यादातर हमारे फीमेल तो सब कराती हैं, लड़के नहीं कराते। बहुत हल्का हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला 8 दिन में इसको निकाल देना है, फिर दूसरा पहनना है, तो दूसरा क्या पहनना है वो भी देखेंगे। भाई मैं दही ले लूँ, दही मंगवाई थी। तो गाइस मैंने आपको दिखाई दिया था कि भाई पियर्सिंग हो चुकी है, तो भाई देख लो कुछ इस टाइप का लुक है, लेकिन ये हमको चेंज करना है। इसमें हम गोल्ड के पहनेंगे, मतलब ये टेम्परेरी है, हफ्ता 10 दिन में इसको बस पहन के रखना है, फिर निकाल देना है। बाकी भाई ऐसा कुछ दर्द वर्द तो ज़्यादा हुआ नहीं, नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं है, एकदम पता भी नहीं चलता, एकदम हो जाता है।